मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज विद्यार्थी अध्ययन करेंगे ग्रामीण विकास एवं सहकारिता विषय के अंतर्गत महिला विकास संबंधी कार्यक्रम वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में 58.65 करोड़ महिलाएं हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 48.46% है। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं की उन्नति विकास योजनाओं का केंद्र बिंदु रही है। पिछले 60 वर्षों के दौरान इस संबंध में नीति निर्माण में कई परिवर्तन आए हैं, जिसमें 70 के दशक तक कल्याण की संकल्पना में 80 के दशक तक विकास की नीति बनी और 90 के दशक में अधिकार पर पहुंच गया है। महिला और बाल विकास विभाग प्रारंभ से ही महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम बनाता रहा है। वर्ष 2006 में देश में एक पृथक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी विकास आदि जैसे अनेक विकासोन्मुख कार्यक्रम और महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में किए गए प्रयास निम्न प्रकार है। कल्याण एवं सहायता सेवाएं। कामकाजी महिलाओं के लिए होटलों के निर्माण की योजना का उद्देश्य अन्य स्थानों से शहरों में आने वाली निम्न आय वर्ग की महिलाओं को सस्ती दर पर सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। कुछ होटलों में इन महिलाओं के बच्चों के लिए दिन के समय देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध है। ये योजना स्वयंसेवी संगठनों, महिला विकास निगमों, जन ट्रस्ट, स्कूल व कॉलेज, स्थानीय संस्थाओं एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं को महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अल्पकालीन आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। 1969 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आश्रय पुनर्वास सुविधा दी जाती है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण या किसी अन्य कारण से मुसीबत में है। इस समय देश के विभिन्न भागों में अल्पावधि आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले लगभग 361 अल्पावधि आवास गृह है। इसके लिए राज्य सरकारों की संस्तुति पर गैर सरकारी संगठनों की अनुदान दिया जाता है। रोजगार और प्रशिक्षण। महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए मदद देने के का कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट पालन जैसी महिलाओं की प्रधानता वाले परंपरागत कार्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके हुनर में सुधार करना है। रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना होता है। स्वावलंबन, ये नॉर्वे की विकास एजेंसी नोराड के द्वारा 1982 और 83 में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नया स्वावलंबन है। नॉर्वे की विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों को गैर परंपरागत व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने और उपयुक्त व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हथकरघा, वस्त्र निर्माण, बुनाई, कताई, कैंटीन एवं प्रबंध टेक्नोलॉजी आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा। प्रारंभ में ये इंदिरा महिला योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य समाज में सबसे निचले स्तर पर महिलाओं को संगठित करना है, जिससे वे अधिकार संपन्न बने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार निभा सके। नेक्स्ट है बालिका समृद्धि योजना। ये एक समन्वित योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। बालिका समृद्धि योजना के पहले चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1997 को हुई थी। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1997 को अथवा उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका की मां को 500 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी, ताकि वह बालिका के जन्म के बाद अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी कर सके। ये योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर लागू होगी। इस योजना की शुरुआत बालिका के प्रति समाज के रवैये को बदलकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करती है। वयस्क महिलाओं को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की सघन योजना। ये योजना 1958 से प्रारंभ की गई थी। इसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ चुके बालिकाओं को अनुवर्ती शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पिछले 2 वर्षों में महिला के 2000 पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें 50,000 महिलाएं और बालिकाओं ने लाभ उठाया है।